फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोइट सर थॉमस वाट की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम लो व्हाट इट इज़ टू लव, यानी कि देखो प्यार क्या होता है। इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पोयम की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, फिर भी इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में लव के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो पोएट के अपने पर्सनल विचार हैं। मैं केवल उनके विचारों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि पोएट ने ये पोएम अपने ब्रेकअप होने के बाद लिखी थी, जिसमें वो प्यार के बारे में अपने पर्सनल विचार एक्सप्रेस करते हैं। इस पोएम की मेन थीम है लव। वो लोगों को प्यार नहीं करने की एडवाइस देते हैं। उनका मानना है कि प्यार में दुखी दुखे हैं। प्यार एक प्रकार का जाल है, जिसमें फंसने के बाद इंसान का निकलना मुश्किल हो जाता है, और प्यार करने से इंसान की मेंटल पावर कमज़ोर होती है। उनका मानना है कि प्यार करने वाला पर्सन इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार में पागलपन होता है। प्यार में कब क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोयम लो व्हाट इट इज़ टू लव। पोयम की शुरुआत में पोएट कहते हैं कि देखो प्यार क्या होता है। लीन ए दैट लिस्ट टू प्रूव, और मैंने सीखा है कि इसे साबित करने में बहुत टाइम लगता है। एट मी आई से नो वेज दैट मे द ग्राउंड ऑफ ग्रीफ रिमूव, क्या मैं गलत हूँ जो ये कहता हूँ कि प्यार के दुख को दूर करने का कोई तरीका नहीं है। इट मीन्स कोई भी चीज़ प्यार के दुख को दूर नहीं कर सकती। माई लाइफ ऑलवेज दैट डॉट डिके, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लो वॉट इट इज़ टू लव, देखो प्यार क्या होता है। फ्ली ऑलवेज फ्रॉम द स्नेर, अब आगे पोइट एडवाइस देते हुए कहते हैं कि प्यार के जाल से दूर भाग जाओ। लर्न बाय मी टू बी वेयर ऑफ सच अ ट्रेन विच डबल्स पेन, प्यार जैसी चीज़ों से सावधान रहना मुझसे सीखो, ये केवल दुख को बढ़ाने का काम करता है। एंड एंडलेस वो एंड केयर, प्यार एंडलेस दुख और चिंता लाता है। देयर डोथ रिटेन विच टू रिफ्रेन, प्यार को अवॉइड करो और जितना हो सके इससे दूर रहो। फ्ली ऑलवेज फ्रॉम द स्नेर, पोइट एक बार फिर से एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि प्यार के जाल से दूर भाग जाओ। टू लव एंड टू बी वाइज, कोई भी व्यक्ति प्यार में पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता, क्योंकि प्यार में पागलपन होता है न कि समझदारी। टू रेज विद गुड एडवाइस, जब प्यार करने वाले व्यक्ति को अच्छी सलाह दी जाती है कि प्यार व्यार सब बेकार हैं, छोड़ दो इन्हें, तो वो गुस्सा हो जाता है। नो दस नाउ देन नो ऑफ नाउ ऑन असर्टेन एज द डाइस, प्यार में पड़े व्यक्ति का मूड लगातार बदलता रहता है। कभी वो खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है। उसका मूड डाइस के गेम की तरह होता है, जिस तरह डाइस उछालने पर पता नहीं होता कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ठीक उसी तरह एक लवर का मूड होता है, कब कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। देर इज नो मैन एट वंस दैट कैन टू लव एंड टू बी वाइज, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो प्यार भी करता हो और बुद्धिमान भी हो। ये दोनों क्वालिटीज़ एक साथ नहीं हो सकती। या तो इंसान बुद्धिमान हो सकता है या फिर एक लवर हो सकता है, क्योंकि प्यार मेंटल पावर ख़त्म कर देता है। सच आर द डाइवर्स थ्रोज, ये सभी वो स्ट्रगल्स हैं जिन्हें एक लवर अपने लाइफ में फेस करता है। सच पेंस दैट नो मैन नोज दैट हैथ नॉट प्रूव्ड एंड वंस हैव लव्ड, और इन सभी स्ट्रगल्स को वो पर्सन कभी नहीं समझ सकता जिसने कभी प्यार नहीं किया हो। एक लवर ही इन्हें अच्छे से समझ सकता है। सच आर द रेजिंग वॉज सूनर रिप्रूव्ड देन वेल रिमूव्ड, ये प्यार के स्ट्रगल्स तूफानी होते हैं। प्यार में एक पर आरोप लगाए जाते हैं तो दूसरे से आरोप हटाए जाते हैं। सच आर द डाइवर्स थ्रोज, प्यार में इस तरह के दुख दर्द होते हैं। लव इज अ फर्वेंट फायर, प्यार एक जलती हुई आग है। किंडल्ड बाय हॉट डिजायर, जिसमें इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। फॉर अ शॉर्ट प्लेजर लॉन्ग डिसप्लेजर, थोड़ी सी खुशी के लिए आदमी प्यार में पड़ जाता है और जिंदगी भर दुखी होता रहता है, यानी कि प्यार में थोड़े समय की खुशी है वो लंबे समय के लिए दुख दर्द हैं। रिपेंटेंस इज द हायर, लवर को ब्रेकअप होने के बाद एंड में पछताना ही पड़ता है। वो सोचता है कि काश प्यार नहीं करता तो कितना अच्छा रहता। अ पुअर ट्रेजर विदाउट मेजर, प्यार एक छोटा सा खजाना है जिसे मापा नहीं जा सकता। लव इज अ फर्वेंट फायर, प्यार एक जलती हुई आग है। लो व्हाट इट इज टू लव, देखो प्यार क्या होता है। तो दोस्तों, इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ सर थॉमस वाट की पोयम लो
व्हाट इट इज़ टू लव कंप्लीट होती हैं और कैसे लगी आपको यह पोयम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।